बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल पंप, जो घर में इस्तेमाल होने वाला वाटर पंप होता है, जिसे डोंगी पंप भी कहते हैं, इसके कनेक्शन के बारे में। इसमें किस तरह, कितने तरह के कनेक्शन होते हैं और इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं, बाकी सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो इसे बराए मेहरबानी लाजमी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपने देखा 20 नंबर वायर से हमने इसे रिवाइंड किया है, और जो अंदर की वाइंडिंग है वो है 23 नंबर वायर। 20 नंबर और 23 नंबर वायर से हमने इसे रिवाइंड किया है। तो इसके जो है पंप होता है 2800 RPM, यानी कि 2800 चक्करों का होता है पर मिनट, 2800 पर मिनट का होता है। तो 2800 चक्कर एक मिनट के घूमता है ये। तो 2800 चक्कर के सिर्फ दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होते हैं सीरीज़ कनेक्शन, जिसे सिंगल कनेक्शन भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं टू पैरेलल कनेक्शन। अगर टू पैरेलल कनेक्शन करें तो ये साथ साथ के एक छोटी कोयल का और एक साथ वाला बड़ी कोयल का सिरा आपस में मिलकर बाहर आ जाएगा इसी तरह, और दूसरा सिरा भी इसी तरह बड़ी कोयल का और छोटी कोयल का साथ साथ का सिरा मिल के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए डबल कनेक्शन, लेकिन इसके हमने करने हैं सिंगल कनेक्शन, क्योंकि हमने इसमें 20 नंबर तार डाली है। अगर 23 नंबर या 22 नंबर तार होते तो इसके डबल कनेक्शन होते। तो सिंगल कनेक्शन करने के लिए हमें जो बड़ी कोयल के दो सिरे हैं, छोटी कोयल के सिरे बाहर आ जाएंगे, बड़ी कोयल के जो दो सिरे हैं वो आपस में मिल जाएंगे और पैक हो जाएंगे। ये दो सिरे हैं तो ये पैक हो जाएंगे। स्टार्टिंग के जो होते हैं कनेक्शन वो सीरीज ही होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमने पैक कर लेने हैं, ये दो सिरे जो हैं ये पैक कर लेंगे। इसमें तकरीबन 3 नंबर की स्लीव डलेगी, या 3 नंबर स्लीव डाल के हमने इसे पैक कर लिया, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है इसके जो दो सिरे बचे हैं हमारे, इसे बाहर निकालने की लोड वाइंडिंग के। ये छोटी कोयल के जो दो सिरे हैं इसे हमने तोड़ तक स्लीव चढ़ाकर इसे पैक कर लेना है। 2 नंबर स्लीव हम इसे चढ़ाएंगे, 1 नंबर और 3 नंबर स्लीव, दो स्लीव भी चढ़ा सकते हैं, खाली 2 नंबर स्लीव चढ़ा दें, टाइम बचेगा तो वो चढ़ा के भी आप से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें अब हम 2 नंबर सिरे चढ़ाते हैं, ये 2 नंबर सिरे हमने चढ़ा लिया है। तो चढ़ाने के बाद ही हमने सिरे जो है वो बाहर निकाल लिए। अब बात आ जाती है स्टार्टिंग की, अब स्टार्टिंग के कनेक्शन किस तरह करने हैं। स्टार्टिंग के भी दो तरह के पंप आते हैं हमारे पास, एक इस टाइप का पंप जो आपके सामने मौजूद है, और दूसरा आता है जो कनेक्शन साइड पर होते हैं और कैपेसिटर ऊपर लगता है। और जिसका कैपेसिटर ऊपर लगता है उसके जो बड़ी कोयल के दो सिरे होते हैं, बड़ी कोयल के दोनों बड़ी कोयलों के सिरे कैपेसिटर पे आ जाएंगे। ये जो दो बड़ी कोयल के जो सिरे हैं ये कैपेसिटर पे आ जाएंगे ऊपर की तरफ, और जो छोटी कोयल के सिरे हैं वो बाहर मेन में चल जाएंगे। जो छोटी कोयल के दो सिरे हैं ये बाहर मेन में चल जाएंगे, इस साइड पे मेन में आ जाएंगे, क्योंकि मेन तो इस साइड पर होती है उसकी, और ऊपर कैपेसिटर लगता है। तो अगर अब चूँकि ये सिस्टम है कैपेसिटर इसका ऊपर लगेगा, तो इसके जो बड़ी कोयल के दो सिरे हैं ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, और छोटी कोयल के जो दो सिरे हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी कोयल के दो सिरे हमने मिला दिए हैं, अब रह गए सिर्फ ये छोटी कोयल के दो सिरे, तो ये हमने बाहर निकाल देने हैं। इसमें भी हम 2 नंबर के सिरे चढ़ा के इन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये 2 नंबर के सिरे है, इनमें भी हम 2 नंबर सिरे चढ़ाकर इसे भी बाहर निकाल देते हैं। वीडियो लंबी, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से हमें वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारे 4 तारें बाहर आ गई, जिनमें 2 मोटी तारे हैं और 2 बारीक तारे हैं, ठीक हो गया ना। तो 2 जो मोटी तारे हैं वो होगी हमारी लोड वाइंडिंग की, और जो 2 बारीक तारे हैं ये होगी स्टार्टिंग की। जिसका कैपेसिटर ऊपर लगता है उसके ऊपर 2 तारें आती हैं, और ऊपर कैपेसिटर लग जाता है, साइड पर उसके कनेक्शन होते हैं, 4 तारे उसके साइड पर निकलती हैं। लेकिन कनेक्शन उसके भी इस टाइप के होते हैं, उसमें 2 स्टार्टिंग और 2 आपस में मिल जाती हैं, 2 स्टार्टिंग और 2 लोड वाइंडिंग। अगर चक्कर उल्टा हो तो 2 स्टार्टिंग और लोड की तारें हम तब्दील कर सकते हैं। इस टाइप के कनेक्शन होंगे अगर कैपेसिटर नीचे लगेगा तो। लेकिन अब चूंकि कैपेसिटर ऊपर लगना है, तो इस वजह से हमें 2 जो तारें हैं वो मेन बनानी है, ये 2 तारें मेन बना लेनी है, और जो बाकी के जो 2 तारें बचेगी, एक लोड वाइंडिंग की और एक स्टार्टिंग की, हमने तार मिलानी है, और एक स्टार्टिंग और लोड बचेगी, लोड पर हमने दूसरी मेन लगानी है, और एक मेन में दूसरी जो कामन है उस पर कामन लगा देनी है, ठीक है।
स्टार्टिंग की जो तार है वो पैक कर लेनी है। अगर चक्कर उल्टा आता है तो लोड वाइंडिंग की तार काम से तब्दील कर देनी है हमने, तो हमारा चक्कर सेट आ जाएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सबके साथ शेयर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।